अगर इंडिया गठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है राहुल गांधी। 14 मई की शाम 4:36 पर भूपेश बघेल के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक 21 मिनट का वीडियो पोस्ट हुआ। वीडियो में भूपेश बघेल बरेली के बथुआ खास गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं, आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, सदस्य नहीं चुन रहे हैं। और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं जा रहा है, जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कई बार सवाल उठाया है। 11 मई को तेलंगाना के विकाराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर सवाल उठाया था। भाई, इनके पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा एक एक साल बारी बारी बन लेंगे। देश ऐसे चलता है क्या? चलता है क्या? एक एक साल के प्रधानमंत्री वालों को मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना आया तो भारत को कौन बचाएगा? जवाब दीजिए। कश्मीर और आतंकवादियों को, कश्मीर को मजबूत करना, आतंकवाद को समाप्त करना कौन करेगा? बताओ। G20 आया तो इसका नेतृत्व कौन करेगा वो बताओ। इनके पास कोई प्रधानमंत्री नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने G20 भी किया और चंद्रमा पर चंद्रयान भी भेजा, भारत को दुनिया का 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाया। और भारत को आगे अगर कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल हमारे नेता नरेंद्र मोदी ले जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी। वही 12 मई को स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने पर सवाल उठाया। दो चीजें, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डिंगे ना ही हाके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? स्मृति ईरानी का ये बयान राहुल गांधी के एक और बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को बहस के लिए चुनौती दी थी। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, स्वयं राहुल इस विषय पर क्या सोचते हैं इसका जवाब निबंधात्मक है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने 5 अप्रैल 2024 को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर बात की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, इंडिया ब्लॉक ने निर्धारित किया है, हम मिलकर एक विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हम अपना नेता चुनेंगे, पूरा गठबंधन मिलकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनेगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब भूपेश बघेल के इस बयान को कांग्रेस की आधिकारिक लाइन माना जाए? जवाब मिलेगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।